नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है अंगारन और यह मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल वेशन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगारन 2022 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जो रवि अराशु द्वारा लिखित और निर्देशित और कॉमन मैन प्रोजेक्ट्स द्वारा निर्मित है। फिल्म में मेजी बी प्रकाश कुमार और महिमा नम्बियार के साथ काली वेंकट, अरुला दोष, अंडुकलम नरेन और हरीश परेशी जैसे सहायक कलाकार हैं। फिल्म का संगीत स्वयं जी बी प्रकाश कुमार ने तैयार किया है। छायांकन सर्वन महिमून द्वारा किया गया और संपादन लाजा मोहम्मद द्वारा किया गया। यह फिल्म 12 मई 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म का समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। मतिमारन के रूप में जी बी प्रकाश कुमार, मतुमिता के रूप में महिमा नम्बियार, मंजुमलाई के रूप में काली वेंकट, अरुलडोस बौद्धिक संपदा अधिकारी के रूप में मतिमारन के पिता पेरुमास्वामी के रूप में अंडुकलम नरेन, हरीशा परेडी साउंड ट्रैक और स्कोर जी बी प्रकाश कुमार द्वारा रचित है और एल्बम में 4 गाने हैं। यह फिल्म 5 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन पर्याप्त स्क्रीन की कमी के कारण इसे 12 मई 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया था। फिल्म तमिल भाषा की देरी के बाद रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह कुल मिलाकर अयनार निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जो एक योग्य उद्देश्य के बारे में बात करती है, लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सिनेमा एक्सप्रेस की राय के सुविधाजनक मूड और खराब लेखन इस अच्छे हदारे वाली फिल्म प्रभावित करते हैं जो छोटे आविष्कारों के दुर्भाग्यों के बारे में बात करते हैं। हवाई उडूब के फिल्म को 2.75 रेटिंग दी और कहा कि अयनगन के मजबूत प्रदर्शन और चरित्र चित्रण वाली फिल्म है। 3 सबटाइटल के बजाय अगर फिल्म एक पर टिकी होती तो हमें अधिक कृप्त किसी हुई फिल्म मिलती। फिर भी संदेश उन तो बहुत ईमानदार है और जब अंतिम क्रेडिट आता है तो आपके पास अयंगारन के कुछ सीखने के होगा। कुल मिलाकर अयंगारन का अच्छे प्रदर्शन के साथ जुड़ रहा है और एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ऑटोटी प्ले के एक आलोचक ने 2.5 स्टार दिए थे। 5 और नोट किए गए। अयंगारन का एक अच्छा प्रयास है जो एक ऐसी फिल्म के रूप में समाप्त होती है जो कुछ हिस्सों के मनोरंजन करती है। हालांकि इसमें आकर्षक क्षण है जो पात्रों का अधिक विवरण इसे एक बेहतर फिल्म बना सकता है। हालांकि इंडिया हेराल्ड के जे गौतम आलोचकों ने उल्लेख किया कि दूसरे भाग में सभी पात्रों को पर्याप्त रूप से बंद कर दिया जाता है, जिसके फिल्म अधिक प्रभावशाली बन गई है। नायक के अपने सभी विषयों के साथ लड़ाई को भी अच्छी तरह से लिखा गया है। आलोचकों से मिलान दिन मिलान में 5 में 3 सितारे देते हैं। पटकथा लेखों के वर्गीकरण के अनुसार सभी फिल्म विवरण में उनके प्रकार कॉमेडी या ड्रामा के गहरों सुपर शोलिया में से एक या अधिक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये संयोग एक अलग शोली नहीं बनता है बल्कि फिल्म की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार प्रकार को शोली के साथ मिलने से कई अलग शोली नहीं बनती है। उदाहरण के लिए हॉरर ड्रामा बस एक नाटकीय हॉरर फिल्म है। कॉमेडियन हॉरर फिल्म के विपरीत हॉरर ड्रामा हॉरर शोली के ड्रामा प्रकार से अलग कोई शोली नहीं है। यहां तक कि अन्य शोलियों पुलिस जासूस और गार्ड के विशिष्ट अच्छे लोगों पर भी एक थ्रिलर की भरोसा नहीं किया जा सकता है। माना कि थ्रिलर के अच्छे लोग होते हैं लेकिन दर्शकों और नायकों के अंत तक अभी पता नहीं चलता कि वे कौन थे। थ्रिलर आशा और भय के विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरमों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी वे भयभीत रहे कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्रीय पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विकेश किसी वर्ष शोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेतृत्व कहानियों के रूप में काम करती है। धनीयुक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी
बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातंत्र बताता है। उदाहरण के लिए एकेडमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपी का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि कंटुटामी उन क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्य के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है। जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जर्ल रिजेस आर्थर कॉनर डॉयल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम इन द बैग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रीडिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेनमार्क के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अंदर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवा कर अप्रतिक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया, जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम थेम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष चुनने के उपयोग करते हैं, जिसमें एक डेमन ऑपरेटर रिलेटिव प्रायस के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं, जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुरक्षित करता है जिसे होलंस कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय के परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं, जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेनी के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैग आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये एक आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज कर धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन के रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन भेनमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके
संपर्कों के बावजूद जिसमें खुदाई हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी। विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंग्लू जोन्सी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं, जो एंग्लू जोन्सी की जमनत सिंह के बाद एंडू ब्लोपसी के पाकिस्तान ड्यूनिस के शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद एंग्लू एफ बी के जनमत समूह के खुदाई सिमतकार के बहिष्कार किया जाता है। खान और उनके भाई तत्कालीन मुख्यमंत्री खान अब्दुल जफर खान के उसे खातिर कर दिया गया, जिन्होंने टिप्पणी की थी उसके मतदाताओं के एंग्लू एफ बी के एक स्वतंत्र राज्य बनाने की स्वतंत्र के बजाय अफगानिस्तान के विरोध करने के विकल्प नहीं है। भारत या पाकिस्तान बाद में अपने जीवन के घरों का स्पेस के कहा पश्तूनिस्तान के कभी भी वास्तविक नहीं थे और एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान के विचार कभी भी पश्तूनी मदद नहीं करेंगे और केवल उनके लिए पीड़ा का कारण बनेगा। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान एक ही लगातार सरकारों के केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस विचार का शोषण किया। से उतारने की कोशिश योजना के सहयोग करने के इनकार करने के बाद युवा ने गुप्त रूप से टाइगर को सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी शाहिद बेग ने हत्या का प्रयास किया लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी। आतिश ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और ISI से बाहर निकाल दिया गया है। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है लेकिन के लिए स्थानित कर दिया गया था। फिल्म तमिल भाषा की देरी के बाद रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह कुल मिलाकर अयनार निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जो एक योग्य उद्देश्य के बारे में बात करती है लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सिनेमा एक्सप्रेस की राय के सुविधाजनक मोड़ और खराब लेखन इस अच्छे हदारे वाली फिल्म प्रभावित करते हैं जो छोटे आविष्कारों के दुर्भागों के बारे में बात करते हैं। हवाई उडू के फिल्म को 2.75 रेटिंग दी और कहा कि अयनगंज के मजबूत प्रदर्शन और चरित्र चित्रण वाली फिल्म है। दिन सबटाइटल के बजाय अगर फिल्म एक पर टिकी होती तो हमें अधिक कृप्त किसी हुई फिल्म मिलती। फिर भी संदेश उन तो बहुत ईमानदार है और जब अंतिम क्रेडिट आता है तो आपके पास अयनगंज के कुछ सीखने के होगा। कुल मिलाकर अयनगंज के अच्छे प्रदर्शन के साथ जुड़ रहा है और एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ऑटोटिव प्ले के एक आलोचक ने 2.5 स्टार दिए थे। 5 और नोट किए गए अयनगंज का एक अच्छा प्रयास है जो एक ऐसी फिल्म के रूप में समाप्त होती है जो कुछ हिस्सों के मनोरंजन करती है। हालांकि इसमें आकर्षक क्षण है जो पात्रों का अधिक विवरण इसे एक बेहतर फिल्म बना सकता है। हालांकि इंडिया हेराल्ड के जे गौतम आलोचकों ने उल्लेख किया कि दूसरे भाग में सभी पात्रों को पर्याप्त रूप से बंद कर दिया जाता है जिसके फिल्म अधिक प्रभावशाली बन गई है। नायक के अपने सभी हिस्सों के साथ लड़ाई को भी अच्छी तरह से लिखा गया है। आलोचकों से मिलान दिन मिलान में 5/3 सितारे देते हैं। पटकथा लेखों के वर्गीकरण के अनुसार सभी फिल्म विवरण में उनके प्रकार कॉमेडी या ड्रामा के गहरे सुपर शोलिया में से एक या अधिक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये संयोग एक अलग शोली नहीं बनता है बल्कि फिल्म की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार प्रकार को शोली के साथ मिलने से कई अलग शोली नहीं बनती है। उदाहरण के लिए हॉरर ड्रामा बस एक नाटकीय हॉरर फिल्म है। कॉमेडियन हॉरर फिल्म के भी बड़े हॉरर ड्रामा हॉरर शोली के ड्रामा प्रकार से अलग कोई शोली नहीं है। यहाँ तक कि अन्य शोलियों पुलिस जासूस और गार्ड के विशिष्ट अच्छे लोगों पर भी एक थ्रिलर की भरोसा नहीं किया जा सकता है। माना कि थ्रिलर के अच्छे लोग होते हैं लेकिन दर्शकों और नायकों के अंत तक कभी पता नहीं चलता कि वे कौन थे। थ्रिलर आशा और भय के विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरमों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी वे भयभीत रहे कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। ठहरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्र पत्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विकेश इसमें वर्ष शोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्सर नेतात्मक कहानियों के रूप में काम करती है। ध्वनियुक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर
प्रोसिक्स को आवाज़ के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तामिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत सातन्य बताता है। उदाहरण के लिए एकेडमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटमों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि में कट्टू टामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोषण खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराहत कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएँ दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्यों के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है। जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जेल्ड रिजेस आर्थर कॉनर डायल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम्स शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रीडिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रतियोगियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदाय के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेनमार्क के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवा कर अपने अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंथो सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया, जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम थेम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं, जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिव प्रायस के जुड़ जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव के मुलाकात करने अपनी खोज शुरू करते हैं, जो उसे एक नए डिमोन के समुदाय के सुरक्षित करता है जिसे होलन्स कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय औद्योगिकी परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। इस जिले सर्वज के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए, लेकिन के साथ सर्वज देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सेवक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज कर धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन के रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन भेनमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम कुक्षित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके
संपर्कों के बावजूद, जिसमें खुदाई हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी। विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंड्रू जोंसी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं, जो एंड्रू जोंसी की जमनत सिंह के बाद एंड्रू ब्लोपसी के पाकिस्तान डिवीजन के शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद एंड्रू एफबी के जन्मत समूह के खुदाई सिद्धांतकार के बहिष्कार किया जाता है। खान और उनके भाई तत्कालीन मुख्यमंत्री खान अब्दुल जफर खान के उसे खातिर कर दिया गया, जिन्होंने टिप्पणी की थी उसके मतदाताओं के एंड्रू एफबी के एक स्वतंत्र राज्य बनाने की स्वतंत्र के बजाय अफगानिस्तान के विरोध करने के विकल्प नहीं है। भारत या पाकिस्तान बाद में अपने जीवन के घूमिका स्पेस के पश्तूनिस्तान के कभी भी वास्तविक नहीं थे, और एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान के विचार कभी भी पश्तूनी मदद नहीं करेंगे और केवल उनके लिए पीड़ा का कारण बनेगा। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान एक एक लगातार सरकारों के केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस विचार का शोषण किया। ट्रे से उतारने की कोशिश योजना का सहयोग करने के इनकार करने के बाद युवा ने गुप्त रूप से टाइगर को सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी साहित बेग ने हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी। आतिश ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था, और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और ISI से बाहर निकाल दिया गया है। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन के लिए स्थानित कर दिया गया था। फिल्म तमिल भाषा की देरी के बाद रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह कुल मिलाकर नयनारायण निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जो एक योग्य उद्देश्य के बारे में बात करती है, लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सिनेमा एक्सप्रेस की राय के सुविधाजनक मोड़ और खराब लेखन इस अच्छे दारे वाले फिल्म प्रभावित करते हैं जो छोटे आविष्कारों के दुर्भागों के बारे में बात करते हैं। हवाई उड़ूब के फिल्म को 2.75 रेटिंग दी और कहा कि अयनगंगन के मजबूत प्रदर्शन और चरित्र चित्रण वाली फिल्म है। 3 सबटाइटल के बजाय अगर फिल्म एक पर टिकी होती तो हमें अधिक कृप्त इसी किसी हुई फिल्म मिलती। फिर भी संदेश उन तो बहुत ईमानदार है, और जब अंतिम क्रेडिट आता है तो आपके पास अयनगंगन के कुछ सीखने के होगा। कुल मिलाकर अयनगंगन के अच्छे प्रदर्शन के साथ जुड़ रहा है और एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ऑटोटी प्ले के एक आलोचक ने 2.5 स्टार देते हुए 5 और नोट किए कि अयनगंगन को एक अच्छा प्रयास है जो एक ऐसी फिल्म के रूप में समाप्त होती है जो कुछ हिस्सों के मनोरंजन करती है। हालांकि इसमें आकर्षक क्षण है, जो पात्रों का अधिक विवरण इसे एक बेहतर फिल्म बना सकता है। हालांकि इंडिया हेराल्ड के जे गौतम आलोचकों ने उल्लेख किया कि दूसरे भाग में सभी पात्रों को पर्याप्त रूप से बंद कर दिया जाता है, जिसके फिल्म अधिक प्रभावशाली बन गई है। नायक के अपने प्रभु विश्व के साथ लड़ाई को भी अच्छी तरह से लिखा गया है। आलोचकों से मिलान दिन मिलान में 5/3 सितारे देते हैं। पटकथा लेखों के वर्गीकरण के अनुसार सभी फिल्म विवरण में उनके प्रकार कॉमेडी या ड्रामा को गहरा सुपर शोलिया में से एक या अधिक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये संयोग एक अलग शोली नहीं बनता है, बल्कि फिल्म की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार प्रकार को शोली के साथ मिलने से कई अलग शोली नहीं बनती है। उदाहरण के लिए हॉरर ड्रामा बस एक नाटकीय हॉरर फिल्म है, कॉमेडियन हॉरर फिल्म के विपरीत हॉरर ड्रामा हॉरर शोली के ड्रामा प्रकार से अलग कोई शोली नहीं है। यहां तक कि अन्य शोलियों पुलिस जासूस और गार्ड के विशिष्ट अच्छे लोगों पर भी एक थ्रिलर की भरोसा नहीं किया जा सकता है। माना कि थ्रिलर के अच्छे लोग होते हैं, लेकिन दर्शकों और नायकों के अंत तक कभी पता नहीं चलता कि वे कौन थे। थ्रिलर आशा और भय के विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरमों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी वे अभी तरह कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्रीय पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विकेश किसी वर्ष शोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेता कहानियों के रूप में काम करती है। धनी युक्त और घोषित बजट तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी
बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातन बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटूटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटमों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक का अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि में कटू टामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्म के यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। टेंट मुकेल्स हार्फन जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्यों के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है। जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जर्ल्स रिजेस आर्थर कॉनर डॉयल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अंदर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवक और अब तक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंथो सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया, जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम थेम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं, जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिन प्रायस के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू करते हैं, जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुरक्षित करता है जिसे होलंस कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय औद्योगिक के परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सर्वज के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेनी के साथ सर्वज देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये एक आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन के रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन फेनबिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने की पूछताछ करने के बाद जो उसके
पलकों के बावजूद जिसमें खुदाई मतांग आंदोलन में भाग लेती थी, विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंग्लो ड्योन्सी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं, जो एंग्लो ड्योन्सी की जमनत सिंह के बाद एंडू ब्लोपसी के पाकिस्तान ड्योन्स के शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद एंग्लो एफबी के जन्मत समूह के खुदाई सिद्धांतकार के बहिष्कार किया जाता है। खान और उनके भाई तत्कालीन मुख्यमंत्री खान अब्दुल जब्बर खान के उसे खातिर कर दिया गया, जिन्होंने टिप्पणी की थी उसके मतदाताओं के एंग्लो एफबी के एक स्वतंत्र राज्य बनाने की स्वतंत्र के बजाय अफगानिस्तान के विरोध करने के विकल्प नहीं है। भारत या पाकिस्तान बाद में अपने जीवन के घनिष्ठ स्पेस के पश्तूनिस्तान के कभी भी वास्तविक नहीं थे और एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान के विचार कभी भी पश्तूनी मदद नहीं करेंगे और केवल उनके लिए पीड़ा का कारण बनेगा। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान एक ही लगातार सरकारों के केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस विचार का शोषण किया। ट्रे से उतारने की कोशिश योजना के सहयोग करने के इनकार करने के बाद युवा ने गुप्त रूप से टाइगर को सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी साहित बेग ने हत्या का प्रयास किया लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी। आतिश ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और ISI से बाहर निकाल दिया गया है। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है लेकिन के लिए स्थानित कर दिया गया था। फिल्म तमिल भाषा की देरी के बाद रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह कुल मिलाकर नयनारायण निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जो एक योग्य उद्देश्य के बारे में बात करती है लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सिनेमा एक्सप्रेस की राय के सुविधाजनक मोड़ और खराब लेखन इस अच्छे दारे वाली फिल्म प्रभावित करते हैं जो छोटे आविष्कारों के दुर्भागों के बारे में बात करते हैं। हवाई उड्डू के फिल्म को 2.75 रेटिंग दी और कहा कि अनगंग के मजबूत प्रदर्शन और चरित्र चित्रण वाली फिल्म है। 3 सबटाइटल के बजाय अगर फिल्म एक पर टिकी होती तो हमें अधिक कृप्त इसी किसी हुई फिल्म मिलती। फिर भी संदेश उन तो बहुत ईमानदार है और जब अंतिम क्रेडिट आता है तो आपके पास अयंगारण के कुछ सीखने के होगा। कुल मिलाकर अयंगारण का अच्छे प्रदर्शन के साथ जुड़ रहा है और एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ऑटोटी प्ले के एक आलोचक ने 2.5 स्टार देते हुए 5 पर नोट किए गए अयंगारण का एक अच्छा प्रयास है जो एक ऐसी फिल्म के रूप में समाप्त होती है जो कुछ हिस्सों के मनोरंजन करती है। हालांकि इसमें आकर्षक क्षण है जो पात्रों का अधिक विवरण इसे एक बेहतर फिल्म बना सकता है। हालांकि इंडिया हेराल्ड के जे गौतम आलोचकों ने उल्लेख किया कि दूसरे भाग में सभी पात्रों को पर्याप्त रूप से बंद कर दिया जाता है जिसके फिल्म अधिक प्रभावशाली बन गई है। नायक के अपने प्रभी मिश्रों के साथ लड़ाई को भी अच्छी तरह से लिखा गया है। आलोचकों से मिलान दिन मिलान में 5/3 सितारे देते हैं। पटकथा लेखों के वर्गीकरण के अनुसार सभी फिल्म विवरण में उनके प्रकार कॉमेडी या ड्रामा को गहरो सुपर शोलिया में से एक या अधिक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये संयोग एक अलग शोली नहीं बनता है बल्कि फिल्म की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार प्रकार को शोली के साथ मिलने से कई अलग शोली नहीं बनती है। उदाहरण के लिए हॉरर ड्रामा बस एक नाटकीय हॉरर फिल्म है। कॉमेडियन हॉरर फिल्म के विपरीत हॉरर ड्रामा हॉरर शोली के ड्रामा प्रकार से अलग कोई शोली नहीं है। यहां तक कि अन्य शोलियों पुलिस जासूस और गार्ड के विशिष्ट अच्छे लोगों पर भी एक थ्रिलर की भरोसा नहीं किया जा सकता है। माना कि थ्रिलर के अच्छे लोग होते हैं लेकिन दर्शकों और नायकों के अंत तक कभी पता नहीं चलता कि वे कौन थे। थ्रिलर आशा और भय के विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरमों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी वे अभी तरह कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए स्पष्ट होते हैं जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्रीय पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती व्यंकेश इसमें वर्ष शोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेतृत्व कहानियों के रूप में काम करती है। तनियुक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी
बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैलियों एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत सातन्य बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटमों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि कंटुटामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्य के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है। जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जल रिजेस आर्थर कॉनर डायल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रीडिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रौद्योगिकियों के तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेनमार्क के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बादी दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवा कर अपतिक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया, जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम थेम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं, जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिव प्रायस के जुड़ जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं, जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुरक्षित करता है जिसे होलंस कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय औद्योगिकी परिसर से बचने पर आधारित है। वो आज़ादी को आज़ादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए, लेकिन के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये एक आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज कर धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन भेनमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम कुक्षित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके
पलकों के बावजूद जिसमें खुदाई हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी। विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंग्लो जोसी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं, जो एंग्लो जोसी की जमनत सिंह के बाद एंडू ब्लोपसी के पाकिस्तान डिवीजन के शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद एंग्लो एफबी के जनमत समूह के खुदाई सिद्धांतकार के बहिष्कार किया जाता है। खान और उनके भाई तत्कालीन मुख्यमंत्री खान अब्दुल जफर खान के उसे खातिर कर दिया गया, जिन्होंने टिप्पणी की थी उसके मतदाताओं के एंग्लो एफबी के एक स्वतंत्र राज्य बनाने की स्वतंत्र के बजाय अफगानिस्तान के बैन करने के विकल्प नहीं है। भारत या पाकिस्तान बाद में अपने जीवन के घरों का स्पेस के पश्तूनिस्तान के कभी भी वास्तविक नहीं थे और एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान के विचार कभी भी पश्तूनी मदद नहीं करेंगे और केवल उनके लिए पीड़ा का कारण बनेगा। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान एक ही लगातार सरकार के केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस विचार का शोषण किया। ट्रे से उतारने की कोशिश योजना के सहयोग करने के इनकार करने के बाद युवा ने गुप्त रूप से टाइगर को सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी साहित बेग ने हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी। आतिश ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और ISI से बाहर निकाल दिया गया है। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन के लिए स्थानित कर दिया गया था। फिल्म तमिल भाषा की देरी के बाद रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह कुल मिलाकर अयनार निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जो एक योग्य उद्देश्य के बारे में बात करती है, लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सिनेमा एक्सप्रेस की राय के सुविधाजनक मोड़ और खराब लेखन इस अच्छे हदारे वाली फिल्म प्रभावित करते हैं जो छोटे आविष्कारों के दुर्भागों के बारे में बात करते हैं। हवाई उडू के फिल्म को 2.75 रेटिंग दी और कहा कि अयनगंगन के मजबूत प्रदर्शन और चरित्र चित्रण वाली फिल्म है। 3 सबटाइटल के बजाय अगर फिल्म एक पर टिकी होती तो हमें अधिक कृप्त किसी हुई फिल्म मिलती। फिर भी संदेश उन तो बहुत ईमानदार है और जब अंतिम क्रेडिट आता है तो आपके पास अयनगंगन के कुछ सीखने के होगा। कुल मिलाकर अयनगंगन का अच्छे प्रदर्शन के साथ जुड़ रहा है और एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ऑटोटी प्ले के एक आलोचक ने 2.5 स्टार देते हुए 5 और नोट किए कि अयनगंगन का एक अच्छा प्रयास है जो एक ऐसी फिल्म के रूप में समाप्त होती है जो कुछ हिस्सों के मनोरंजन करती है। हालांकि इसमें आकर्षक क्षण है जो पात्रों का अधिक विवरण इसे एक बेहतर फिल्म बना सकता है। हालांकि इंडिया हेराल्ड के जे गौतम आलोचकों ने उल्लेख किया कि दूसरे भाग में सभी पात्रों को पर्याप्त रूप से बंद कर दिया जाता है, जिसके फिल्म अधिक प्रभावशाली बन गई है। नायक के अपने प्रभी मिश्रों के साथ लड़ाई को भी अच्छी तरह से लिखा गया है। आलोचकों से मिलान दिन मिलान में 5/3 सितारे देते हैं। पटकथा लेखों के वर्गीकरण के अनुसार सभी फिल्म विवरण में उनके प्रकार कॉमेडी या ड्रामा को गहरा सुपर शोलिया में से एक या अधिक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये संयोग एक अलग शोली नहीं बनता है बल्कि फिल्म की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार प्रकार को शोली के साथ मिलने से कई अलग शोली नहीं बनती है। उदाहरण के लिए हॉरर ड्रामा बस एक नाटकीय हॉरर फिल्म है, कॉमेडियन हॉरर फिल्म के भी बड़े हॉरर ड्रामा हॉरर शोली के ड्रामा प्रकार से अलग कोई शोली नहीं है। यहाँ तक कि अन्य शोलियों पुलिस जासूस और गार्ड के विशिष्ट अच्छे लोगों पर भी एक थ्रिलर की भरोसा नहीं किया जा सकता है। माना कि थ्रिलर के अच्छे लोग होते हैं लेकिन दर्शकों और नायकों के अंत तक अभी पता नहीं चलता कि वे कौन थे। थ्रिलर आशा और भय के विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरमों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी वे अभिभूत रहे कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्रीय पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती वेंकेश इसमें वर्ष शोली
गोली के केंद्र दर्शक के लिए मोहक होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षर तथा कहानियों के रूप में काम करती है। ध्वनियुक्त और घोषित वजह तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज़ के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातंत्र बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपी का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक का अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांस की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि में कंटुटामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्यों के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है। जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जर्ल रिजेस आर्थर कॉनर डायल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रौद्योगिकियों के तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदाय के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेनमार्क के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवा और अब तक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम्स थेम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिव प्रायस के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सिप्स के एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुरक्षित करता है जिसे होलंस कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय औद्योगिकी परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेनी के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये एक आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज कर धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन के रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन भेनमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने की पूछताछ करने के बाद जो उसके संपर्क
पलकों के बावजूद, जिसमें खुदाई हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी। विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंग्लू जेंसी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं, जो एंग्लू जेंसी की जमनत सिंह के बाद एंडू ब्लोपसी के पाकिस्तान ड्यूनिस के शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद एंग्लू एफ बी के जनमत समूह के खुदाई सिद्धमतकार के बहिष्कार किया गया था। खान और उनके भाई तत्कालीन मुख्यमंत्री खान अब्दुल जफर खान के उसे खातिर कर दिया गया, जिन्होंने टिप्पणी की थी उसके मतदाताओं के एंग्लू एफ बी के एक स्वतंत्र राज्य बनाने की स्वतंत्र के बजाय अफगानिस्तान के विरोध करने के विकल्प नहीं है। भारत या पाकिस्तान बाद में अपने जीवन के आसपास के पश्तूनिस्तान के कभी भी वास्तविक नहीं थे, और एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान के विचार कभी भी पश्तूनी मदद नहीं करेंगे और केवल उनके लिए पीड़ा का कारण बनेगा। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान एक एक लगातार सरकारों के केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस विचार का शोषण किया। ट्रे से उतारने की कोशिश योजना के सहयोग करने के इनकार करने के बाद युवा ने गुप्त रूप से टाइगर को सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी साहित बेग ने हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी। आतिश ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था, और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और ISI से बाहर निकाल दिया गया है। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन के लिए स्थानित कर दिया गया था। फिल्म तमिल भाषा की देरी के बाद रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह कुल मिलाकर नारायण निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जो एक योग्य उद्देश्य के बारे में बात करती है, लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सिनेमा एक्सप्रेस की राय के सुविधाजनक मोड़ और खराब लेखन इस अच्छे दारे वाले फिल्म प्रभावित करते हैं जो छोटे आविष्कारों के दुर्भागों के बारे में बात करते हैं। हवाई उडू के फिल्म को 2.75 रेटिंग दी और कहा कि अयनगंज के मजबूत प्रदर्शन और चरित्र चित्रण वाली फिल्म है। दिन सबटाइटल के बजाय अगर फिल्म एक पर टिकी होती तो हमें अधिक कृप्त किसी हुई फिल्म मिलती। फिर भी संदेश उन तो बहुत ईमानदार है, और जब अंतिम क्रेडिट आता है तो आपके पास अयंगारण के कुछ सीखने के होगा। कुल मिलाकर अयंगारण के अच्छे प्रदर्शन के साथ जुड़ रहा है और एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ऑटोटी प्ले के एक आलोचक ने 2.5 स्टार दिए थे। 5 और नोट किए गए। अयंगारण का एक अच्छा प्रयास है जो एक ऐसी फिल्म के रूप में समाप्त होती है जो कुछ हिस्सों के मनोरंजन करती है। हालांकि इसमें आकर्षक क्षण है, जो पात्रों का अधिक विवरण इसे एक बेहतर फिल्म बना सकता है। हालांकि इंडिया हेराल्ड के जे गौतम आलोचकों ने उल्लेख किया कि दूसरे भाग में सभी पात्रों को पर्याप्त रूप से बंद कर दिया जाता है, जिसके फिल्म अधिक प्रभावशाली बन गई है। नायक के अपने प्रभी विश्व के साथ लड़ाई को भी अच्छी तरह से लिखा गया है। आलोचकों से मिलान दिन मिलान में 5/3 सितारे देते हैं। पटकथा लेखों के वर्गीकरण के अनुसार सभी फिल्म विवरण में उनके प्रकार कॉमेडी या ड्रामा को गहरा सुपर शोलिया में से एक या अधिक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये संयोग एक अलग शोली नहीं बनता है, बल्कि फिल्म की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार प्रकार को शोली के साथ मिलने से कई अलग शोली नहीं बनती है। उदाहरण के लिए हॉरर ड्रामा बस एक नाटकीय हॉरर फिल्म है, कॉमेडियन हॉरर फिल्म के विपरीत हॉरर ड्रामा हॉरर शोली के ड्रामा प्रकार से अलग कोई शोली नहीं है। यहां तक कि अन्य शोलियों पुलिस जासूस और गार्ड के विशिष्ट अच्छे लोगों पर भी एक थ्रिलर की भरोसा नहीं किया जा सकता है। माना कि थ्रिलर के अच्छे लोग होते हैं, लेकिन दर्शकों और नायकों के अंत तक कभी पता नहीं चलता कि वे कौन थे। थ्रिलर आशा और भय के विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरमों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी वे अभी तरह कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्रीय पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विकेश किसी वर्ष शोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेता कहानियों के रूप में काम करती है। थनी युक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर
प्रोसिक्स को आवाज़ के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तामिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातंत्र्य बताता है। उदाहरण के लिए एकेडमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संगटमों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक का अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि कटू टामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्म के यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराहत कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। चैंट मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्यों के लिए केंद्रीय बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है, जिससे सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जेल रिजेस आर्थर कॉनर डॉयल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है, जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रतियोगियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेनमार्क के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवा कर अब तक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया, जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम के थीम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं, जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटी प्राइस के जुड़ जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव के मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं, जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुरक्षित करता है, जिसे होलंस कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय औद्योगिकी परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेनी के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज कर धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन के रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है, जिसके डेमन फेनमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके संपल
हलकों के बावजूद, जिसमें खुदाई हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी। विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंग्लोजेंसी के स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं, जो एंग्लोजेंसी की जमनत सिंह के बाद एंडोब्लोसी के पाकिस्तान डिवीजन के शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद एंग्लो एफबी के जन्मत समूह के खुदाई सिद्धांतकार के बहिष्कार किया जाता है। खान और उनके भाई तत्कालीन मुख्यमंत्री खान अब्दुल जफर खान के उसे खातिर कर दिया गया, जिन्होंने टिप्पणी की थी उसके मतदाताओं के एंग्लो एफबी के एक स्वतंत्र राज्य बनाने की स्वतंत्र के बजाय अफगानिस्तान के विरोध करने के विकल्प नहीं है। भारत या पाकिस्तान बाद में अपने जीवन के घूमिका स्पेस के पश्तूनिस्तान के कभी भी वास्तविक नहीं थे, और एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान के विचार कभी भी पश्तूनी मदद नहीं करेंगे और केवल उनके लिए पीड़ा का कारण बनेगा। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान एक एक लगातार सरकारों के केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस विचार का शोषण किया। ट्रे से उतारने की कोशिश योजना के सहयोग करने के इनकार करने के बाद युवा ने गुप्त रूप से टाइगर को सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी साहित बेग ने हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी। आतिश ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था, और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और ISI से बाहर निकाल दिया गया है। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन के लिए स्थानित कर दिया गया था। फिल्म तमिल भाषा की देरी के बाद रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह कुल मिलाकर अयनार निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जो एक योग्य उद्देश्य के बारे में बात करती है, लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सिनेमा एक्सप्रेस की राय के सुविधाजनक मोड़ और खराब लेखन इस अच्छे दारे वाली फिल्म प्रभावित करते हैं जो छोटे आविष्कारों के दुर्भागों के बारे में बात करते हैं। हवाईउडूब के फिल्म को 2.75 रेटिंग दी और कहा कि अयनगंज के मजबूत प्रदर्शन और चरित्र चित्रण वाली फिल्म है। दिन सबटाइटल के बजाय अगर फिल्म एक पर टिकी होती तो हमें अधिक कृप्त इसी किसी हुई फिल्म मिलती। फिर भी संदेश उन तो बहुत ईमानदार है, और जब अंतिम क्रेडिट आता है तो आपके पास अयंगारण के कुछ सीखने के होगा। कुल मिलाकर अयंगारण का अच्छे प्रदर्शन के साथ जुड़ रहा है और एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ऑटोटी प्ले के एक आलोचक ने 2.5 स्टार देते हुए 5 और नोट किए कि अयंगारण का एक अच्छा प्रयास है जो एक ऐसी फिल्म के रूप में समाप्त होती है जो कुछ हिस्सों के मनोरंजन करती है। हालांकि इसमें आकर्षक क्षण है, जो पात्रों का अधिक विवरण इसे एक बेहतर फिल्म बना सकता है। हालांकि इंडिया हेराल्ड के जे गौतम आलोचकों ने उल्लेख किया कि दूसरे भाग में सभी पात्रों को पर्याप्त रूप से बंद कर दिया जाता है, जिसके फिल्म अधिक प्रभावशाली बन गई है। नायक के अपने प्रभु विश्व के साथ लड़ाई को भी अच्छी तरह से लिखा गया है। आलोचकों से मिलान दिन मिलान में 5/3 सितारे देते हैं। पटकथा लेखों के वर्गीकरण के अनुसार सभी फिल्म विवरण में उनके प्रकार कॉमेडी या ड्रामा गहरा सुपर शोलिया में से एक या अधिक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये संयोग एक अलग शोली नहीं बनता है, बल्कि फिल्म की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार प्रकार को शोली के साथ मिलने से कई अलग शोली नहीं बनती है। उदाहरण के लिए हॉरर ड्रामा बस एक नाटकीय हॉरर फिल्म है, कॉमेडियन हॉरर फिल्म के विपरीत हॉरर ड्रामा हॉरर शोली के ड्रामा प्रकार से अलग कोई शोली नहीं है। यहां तक कि अन्य शोलियों पुलिस जासूस और गार्ड के विशिष्ट अच्छे लोगों पर भी एक थ्रिलर की भरोसा नहीं किया जा सकता है। माना कि थ्रिलर के अच्छे लोग होते हैं, लेकिन दर्शकों और नायकों के अंत तक कभी पता नहीं चलता कि वे कौन थे। थ्रिलर आशा और भय के विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरमों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी वे अभी तरह कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्र पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विकेश किसी वर्ष शोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेतृत्व कहानियों के रूप में काम करती है। तनियुक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी
बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातन बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटमों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक का अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि में कट्टू टामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मुकेल्स हार्फन जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्य के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है। जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिस जर्ल्स रिजेस आर्थर कॉनर डॉयल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रीम्स शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रतियोगियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवक और अपतिक अनुच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया, जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम थेम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं, जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिन प्रायस के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं, जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुरक्षित करता है जिसे होलंस कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय उद्योगी के परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेनी के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये एक आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन के रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन फेनब्रिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने की पूछताछ करने के बाद जो उसके
पलकों के बावजूद जिसमें खुदाई मतांग आंदोलन में भाग लेती थी, विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंग्लो जोसी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं, जो एंग्लो जोसी की जमनत सिंह के बाद एंडो ब्लोसी के पाकिस्तान डिवीजन के शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद एंग्लो एफबी के जन्मत समूह के खुदाई सिद्धांतकार के बहिष्कार किया जाता है। खान और उनके भाई तत्कालीन मुख्यमंत्री खान अब्दुल जब्बर खान के उसे खातिर कर दिया गया, जिन्होंने टिप्पणी की थी उसके मतदाताओं के एंग्लो एफबी के एक स्वतंत्र राज्य बनाने की स्वतंत्र के बजाय अफगानिस्तान के विरोध करने के विकल्प नहीं है। भारत या पाकिस्तान बाद में अपने जीवन के घरों का स्पेस के पश्तूनिस्तान के कभी भी वास्तविक नहीं थे और एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान के विचार कभी भी पश्तूनी मदद नहीं करेंगे और केवल उनके लिए पीड़ा का कारण बनेगा। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान एक एक लगातार सरकारों के केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस विचार का शोषण किया। से उतारने की कोशिश योजना के सहयोग करने के इनकार करने के बाद युवा ने गुप्त रूप से टाइगर को सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी साहित बेग ने हत्या का प्रयास किया लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी। आतिश ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और ISI से बाहर निकाल दिया गया है। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है लेकिन के लिए स्थानित कर दिया गया था। फिल्म तमिल भाषा की देरी के बाद रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह कुल मिलाकर अयनार निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जो एक योग्य उद्देश्य के बारे में बात करती है लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सिनेमा एक्सप्रेस की राय के सुविधाजनक मोड़ और खराब लेखन इस अच्छे दारे वाली फिल्म प्रभावित करते हैं जो छोटे आविष्कारों के दुर्भाग्यों के बारे में बात करते हैं। अबायुडू के फिल्म को 2.75 रेटिंग दी और कहा कि अयनगंज के मजबूत प्रदर्शन और चरित्र चित्रण वाली फिल्म है। दिन सबटाइटल के बजाय अगर फिल्म एक पर टिकी होती तो हमें अधिक कृप्त किसी हुई फिल्म मिलती। फिर भी संदेश उन तो बहुत ईमानदार है और जब अंतिम क्रेडिट आता है तो आपके पास अयनगंज के कुछ सीखने के होगा। कुल मिलाकर अयनगंज के अच्छे प्रदर्शन के साथ जुड़ रहा है और एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। अटोटी प्ले के एक आलोचक ने 2.5 स्टार थे। 5 और नोट किए गए। अयनगंज का एक अच्छा प्रयास है जो एक ऐसी फिल्म के रूप में समाप्त होती है जो कुछ हिस्सों के मनोरंजन करती है। हालांकि इसमें आकर्षक क्षण है जो पात्रों का अधिक विवरण इसे एक बेहतर फिल्म बना सकता है। हालांकि इंडिया हेराल्ड के जे गौतम आलोचकों ने उल्लेख किया कि दूसरे भाग में सभी पात्रों को पर्याप्त रूप से बंद कर दिया जाता है जिसके फिल्म अधिक प्रभावशाली बन गई है। नायक के अपने प्रभुओं के साथ लड़ाई को भी अच्छी तरह से लिखा गया है। आलोचकों से मिलान में 5/3 सितारे देते हैं। पटकथा लेखों के वर्गीकरण के अनुसार सभी फिल्म विवरण में उनके प्रकार कॉमेडी या ड्रामा को गहरों सुपर शोलिया में से एक या अधिक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये संयोग एक अलग शोली नहीं बनता है बल्कि फिल्म की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार प्रकार को शोली के साथ मिलने से कई अलग शोली नहीं बनती है। उदाहरण के लिए हॉरर ड्रामा बस एक नाटक हॉरर फिल्म है। कॉमेडियन हॉरर फिल्म के विपरीत हॉरर ड्रामा हॉरर शोली के ड्रामा प्रकार से अलग कोई शोली नहीं है। यहां तक कि अन्य शोलियों पुलिस जासूस और गार्ड के विशिष्ट अच्छे लोगों पर भी एक थ्रिलर की भरोसा नहीं किया जा सकता है। माना कि थ्रिलर के अच्छे लोग होते हैं लेकिन दर्शकों और नायकों के अंत तक कभी पता नहीं चलता कि वे कौन थे। थ्रिलर आशा और भय के विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरमों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा फिर भी वे अभी तरह कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए स्पष्ट होते हैं जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्रीय पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विकेश किसी वर्ष शोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्सर नेतृत्व कहानियों के रूप में काम करती है। थनीयुक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर
प्रोसिक्स को आवाज़ के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैलियों एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातंत्र बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि में टू टामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्यों के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है। जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जेल रिजेस आर्थर कॉनर डायल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रतियोगियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेनमार्क के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अंदर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवा कर अप्रत्यक्ष अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम के थीम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं, जिसमें एक डायमंड ऑपरेटर लेटिव प्रायस के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं जो उसे एक नए डिमोन के समुदाय के सुरक्षित करता है जिसे होलंस कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय औद्योगिकी परिसर से बचने पर आधारित है। वो आज़ादी को आज़ादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेनी के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैग आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये एक आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज कर धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन शक्तियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन भेनमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने की पूछताछ करने के बाद जो उसके
संपर्कों के बावजूद जिसमें खुदाई हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी। विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंग्लो जोसी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं, जो एंग्लो जोसी की जमनत सिंह के बाद एंडो ब्लोसी के पाकिस्तान ड्यूनिस के शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद एंग्लो एफ बी के जनमत समूह के खुदाई सिद्धमतकार के बहिष्कार किया जाता है। खान और उनके भाई तत्कालीन मुख्यमंत्री खान अब्दुल जफर खान के उसे खातिर कर दिया गया, जिन्होंने टिप्पणी की थी उसके मतदाताओं के एंग्लो एफ बी के एक स्वतंत्र राज्य बनाने की स्वतंत्र के बजाय अफगानिस्तान के बेर करने के विकल्प नहीं है। भारत या पाकिस्तान बाद में अपने जीवन के घरों का स्पेस के कहा पश्तूनिस्तान के कभी भी वास्तविक नहीं थे और एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान के विचार कभी भी पश्तूनी मदद नहीं करेंगे और केवल उनके लिए पीड़ा का कारण बनेगा। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान एक ही लगातार सरकारों के केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस विचार का शोषण किया। ट्रे से उतारने की कोशिश योजना के सहयोग करने के इनकार करने के बाद युवा ने गुप्त रूप से टाइगर को सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी साहित बेग ने हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी। आतिश ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और ISI से बाहर निकाल दिया गया है। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन के लिए स्थानित कर दिया गया था। फिल्म तमिल भाषा की देरी के बाद रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह कुल मिलाकर नारायण निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जो एक योग्य उद्देश्य के बारे में बात करती है, लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सिनेमा एक्सप्रेस की राय के सुविधाजनक मोड़ और खराब लेखन इस अच्छे वाली फिल्म प्रभावित करते हैं जो छोटे आविष्कारों के दुर्भागों के बारे में बात करते हैं। हवाई उडू के फिल्म को 2.75 रेटिंग दी और कहा कि अयनगंगन के मजबूत प्रदर्शन और चरित्र चित्रण वाली फिल्म है। 3 सबटाइटल के बजाय अगर फिल्म एक पर टिकी होती तो हमें अधिक कृप्त किसी हुई फिल्म मिलती। फिर भी संदेश उन तो बहुत ईमानदार है और जब अंतिम क्रेडिट आता है तो आपके पास अयनगंगन के कुछ सीखने के होगा। कुल मिलाकर अयनगंगन के अच्छे प्रदर्शन के साथ जुड़ रहा है और एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ऑटोटी प्ले के एक आलोचक ने 2.5 स्टार थे। 5 और नोट किए गए। अयनगंगन का एक अच्छा प्रयास है जो एक ऐसी फिल्म के रूप में समाप्त होती है जो कुछ हिस्सों के मनोरंजन करती है। हालांकि इसमें आकर्षक क्षण है जो पात्रों का अधिक विवरण इसे एक बेहतर फिल्म बना सकता है। हालांकि इंडिया हेराल्ड के जे गौतम आलोचकों ने उल्लेख किया कि दूसरे भाग में सभी पात्रों को पर्याप्त रूप से बंद कर दिया जाता है, जिसके फिल्म अधिक प्रभावशाली बन गई है। नायक के अपने सभी विषयों के साथ लड़ाई को भी अच्छी तरह से लिखा गया है। आलोचकों से मिलान में 5/3 सितारे देते हैं। पटकथा लेखों के वर्गीकरण के अनुसार सभी फिल्म विवरण में उनके प्रकार कॉमेडी या ड्रामा को गहरा सुपर शोलिया में से एक या अधिक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये संयोग एक अलग शोली नहीं बनता है बल्कि फिल्म की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार प्रकार को शोली के साथ मिलने से कई अलग शोली नहीं बनती है। उदाहरण के लिए हॉरर ड्रामा बस एक नाटकीय हॉरर फिल्म है। कॉमेडियन हॉरर फिल्म के भी बड़े हॉरर ड्रामा हॉरर शोली के ड्रामा प्रकार से अलग कोई शोली नहीं है। यहां तक कि अन्य शोलियों पुलिस जासूस और गार्ड के विशिष्ट अच्छे लोगों पर भी एक थ्रिलर की भरोसा नहीं किया जा सकता है। माना कि थ्रिलर के अच्छे लोग होते हैं लेकिन दर्शकों और नायकों के अंत तक कभी पता नहीं चलता कि वे कौन थे। थ्रिलर आशा और भय के विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरमों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी वे अभिभूत रहे कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्रीय पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विकेश किसी वर्ष शोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेता कहानियों के रूप में काम करती है। युक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर
प्लोसिक्स को आवाज़ के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातंत्र्य बताता है। उदाहरण के लिए एकेडमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपी का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि में कंटुटामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। चैंट मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्य के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है, जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जर्ल रिजेस आर्थर कॉनर डॉयल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रीम्स शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर प्रसन्नता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है, जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रौद्योगिकियों के तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेनमार्क के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आम जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अंदर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवा कर अपतिक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया, जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम्स के थीम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं, जिसमें एक डेमन ऑपरेटर रिलेटिव प्रायस के जुड़ जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबसे एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं, जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुरक्षित करता है, जिसे होलंस कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय औद्योगिकी परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सेवक ड्रैग आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये एक आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन के रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है, जिसके डेमन फेनमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके संपर्क
हलकों के बावजूद, जिसमें खुदाई जिद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी। विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंग्लू जोन्सी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं, जो एंग्लू जोन्सी की जमनत सिंह के बाद एंडू ब्लोपसी के पाकिस्तान ड्यूनिस के शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद एंग्लू एफ बी के जनमत समूह के खुदाई सिद्धमतकार के बहिष्कार किया जाता है। खान और उनके भाई तत्कालीन मुख्यमंत्री खान अब्दुल जफर खान के उसे खातिर कर दिया गया, जिन्होंने टिप्पणी की थी उसके मतदाताओं के एंग्लू एफ बी के एक स्वतंत्र राज्य बनाने की स्वतंत्र के बजाय अफगानिस्तान के विरोध करने के विकल्प नहीं है। भारत या पाकिस्तान बाद में अपने जीवन के घोने का स्पेस के पश्तूनिस्तान के कभी भी वास्तविक नहीं थे, और एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान के विचार कभी भी पश्तूनी मदद नहीं करेंगे और केवल उनके लिए पीड़ा का कारण बनेगा। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान एक एक लगातार सरकारों के केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस विचार का शोषण किया। से उतारने की कोशिश योजना के सहयोग करने के इनकार करने के बाद युवा ने गुप्त रूप से टाइगर को सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी साहित बेग ने हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी। आतिश ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था, और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और ISI से बाहर निकाल दिया गया है। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन के लिए स्थानित कर दिया गया था। फिल्म तमिल भाषा की देरी के बाद रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह कुल मिलाकर नयनारायण निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जो एक योग्य उद्देश्य के बारे में बात करती है, लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सिनेमा एक्सप्रेस की राय के सुविधाजनक मोड़ और खराब लेखन इस अच्छे दारे वाले फिल्म प्रभावित करते हैं जो छोटे आविष्कारों के दुर्भागों के बारे में बात करते हैं। अबायूडूब के फिल्म को 2.75 रेटिंग दी और कहा कि अयनगंगन के मजबूत प्रदर्शन और चरित्र चित्रण वाली फिल्म है। दिन सबटाइटल के बजाय अगर फिल्म एक पर टिकी होती तो हमें अधिक कृप्त किसी हुई फिल्म मिलती। फिर भी संदेश उन तो बहुत ईमानदार है, और जब अंतिम क्रेडिट आता है तो आपके पास अयनगंगन के कुछ सीखने के होगा। कुल मिलाकर अयनगंगन के अच्छे प्रदर्शन के साथ जुड़ रहा है और एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ऑटोटी प्ले के एक आलोचक ने 2.5 स्टार दिए थे। 5 और नोट किए गए। अयनगंगन का एक अच्छा प्रयास है जो एक ऐसी फिल्म के रूप में समाप्त होती है जो कुछ हिस्सों के मनोरंजन करती है। हालांकि इसमें आकर्षक क्षण है, जो पात्रों का अधिक विवरण इसे एक बेहतर फिल्म बना सकता है। हालांकि इंडिया हेरल्ड के जे गौतम आलोचकों ने उल्लेख किया कि दूसरे भाग में सभी पात्रों को पर्याप्त रूप से बंद कर दिया जाता है, जिसके फिल्म अधिक प्रभावशाली बन गई है। नायक के अपने प्रभु विश्व के साथ लड़ाई को भी अच्छी तरह से लिखा गया है। आलोचकों से मिलान दिन मिलान में 5/3 सितारे देते हैं। पटकथा लेखों के वर्गीकरण के अनुसार सभी फिल्म विवरण में उनके प्रकार कॉमेडी या ड्रामा के गहरे सुपर शोलिया में से एक या अधिक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये संयोग एक अलग शोली नहीं बनता है, बल्कि फिल्म की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार प्रकार को शोली के साथ मिलने से कई अलग शोली नहीं बनती है। उदाहरण के लिए हॉरर ड्रामा बस एक नाटकीय हॉरर फिल्म है। कॉमेडियन हॉरर फिल्म के भी बड़े हॉरर ड्रामा हॉरर शोली के ड्रामा प्रकार से अलग कोई शोली नहीं है। यहाँ तक कि अन्य शोली पुलिस जासूस और गार्ड के विशिष्ट अच्छे लोगों पर भी एक थ्रिलर की भरोसा नहीं किया जा सकता है। माना कि थ्रिलर के अच्छे लोग होते हैं, लेकिन दर्शकों और नायकों के अंत तक अभी पता नहीं चलता कि वे कौन थे। थ्रिलर आशा और भय के विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरमों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी वे अभी तरह कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्रीय पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विकेश किसी वर्ष शोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेता कहानियों के रूप में काम करती है। युक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर
प्रोसिक्स को आवाज़ के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातन बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संगटमों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि में टू टामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्म के यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराहत कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्यों के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है। जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जर्ल्स रिजेस आर्थर कॉनर डॉयल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रीम्स शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पसंदता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है, जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रौद्योगिकी तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदाय के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवक और अब तक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया, जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम के थीम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं, जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिन प्रायस के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू करते हैं, जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुरक्षित करता है, जिसे होलंस कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय की परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन ये साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये एक आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन के रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है, जिसके डेमन फेनमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके
संपर्कों के बावजूद, जिसमें खुदा हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी। विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंग्लो जर्सी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं, जो एंग्लो जर्सी की जमनत सिंह के बाद एंडू ब्लोपसी के पाकिस्तान डिवीजन के शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद एंग्लो एफबी के जन्मत समूह के खुदाई सिद्धमतकार के बहिष्कार किया जाता है। खान और उनके भाई तत्कालीन मुख्यमंत्री खान अब्दुल जफर खान के उसे खातिर कर दिया गया, जिन्होंने टिप्पणी की थी उसके मतदाताओं के एंग्लो एफबी के एक स्वतंत्र राज्य बनाने की स्वतंत्र के बजाय अफगानिस्तान के विरोध करने के विकल्प नहीं है। भारत या पाकिस्तान बाद में अपने जीवन के घूमिका स्पेस के पश्तूनिस्तान के कभी भी वास्तविक नहीं थे, और एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान के विचार कभी भी पश्तूनी मदद नहीं करेंगे और केवल उनके लिए पीड़ा का कारण बनेगा। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान एक एक लगातार सरकारों के केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस विचार का शोषण किया। से उतारने की कोशिश योजना के सहयोग करने के इनकार करने के बाद युवा ने गुप्त रूप से टाइगर को सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी शाहिद बेग ने हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी। आतिश ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था, और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और ISI से बाहर निकाल दिया गया है। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन के लिए स्थानित कर दिया गया था। फिल्म तमिल भाषा की देरी के बाद रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह कुल मिलाकर अयनार निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जो एक योग्य उद्देश्य के बारे में बात करती है, लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सिनेमा एक्सप्रेस की राय के सुविधाजनक मोड़ और खराब लेखन इस अच्छे दारे वाले फिल्म प्रभावित करते हैं जो छोटे आविष्कारों के दुर्भागों के बारे में बात करते हैं। हवाई उड़ूब के फिल्म को 2.75 रेटिंग दी और कहा कि अयनगंज के मजबूत प्रदर्शन और चरित्र चित्रण वाली फिल्म है। तीन सबटाइटल के बजाय अगर फिल्म एक पर टिकी होती तो हमें अधिक कृप्त किसी हुई फिल्म मिलती। फिर भी संदेश उन तो बहुत ईमानदार है, और जब अंतिम क्रेडिट आता है तो आपके पास अयनगंज के कुछ सीखने के होगा। कुल मिलाकर अयनगंज के अच्छे प्रदर्शन के साथ जुड़ रहा है और एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ऑटोटी प्ले के एक आलोचक ने 2.5 स्टार देते हुए 5 और नोट किए कि अयनगंज का एक अच्छा प्रयास है जो एक ऐसी फिल्म के रूप में समाप्त होती है जो कुछ हिस्सों के मनोरंजन करती है। हालांकि इसमें आकर्षक क्षण है, जो पात्रों का अधिक विवरण इसे एक बेहतर फिल्म बना सकता है। हालांकि इंडिया हेराल्ड के जे गौतम आलोचकों ने उल्लेख किया कि दूसरे भाग में सभी पात्रों को पर्याप्त रूप से बंद कर दिया जाता है, जिसके फिल्म अधिक प्रभावशाली बन गई है। नायक के अपने प्रभी विश्वों के साथ लड़ाई को भी अच्छी तरह से लिखा गया है। आलोचकों से मिलान में 5/3 सितारे देते हैं। पटकथा लेखों के वर्गीकरण के अनुसार सभी फिल्म विवरण में उनके प्रकार कॉमेडी या ड्रामा ये गहरों सुपर शोलिया में से एक या अधिक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये संयोग एक अलग शोली नहीं बनता है, बल्कि फिल्म की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार प्रकार को शोली के साथ मिलने से कई अलग शोली नहीं बनती है। उदाहरण के लिए हॉरर ड्रामा बस एक नाटकीय हॉरर फिल्म है, कॉमेडियन हॉरर फिल्म के विपरीत हॉरर ड्रामा हॉरर शोली के ड्रामा प्रकार से अलग कोई शोली नहीं है। यहां तक कि अन्य शोलियों पुलिस जासूस और गार्ड के विशिष्ट अच्छे लोगों पर भी एक थ्रिलर की भरोसा नहीं किया जा सकता है। माना कि थ्रिलर के अच्छे लोग होते हैं, लेकिन दर्शकों और नायकों के अंत तक कभी पता नहीं चलता कि वे कौन थे। थ्रिलर आशा और भय के विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरमों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी वे अभी तरह कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्र पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विकेश इसमें वर्ष शोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्सर नेतृत्व कहानियों के रूप में काम करती है। ध्वनियुक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी
बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातंत्र बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपियों का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटमों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक का अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि में टू टामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्यों के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है। जिस दोस्तों सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिस जर्ल्स रिजेस आर्थर कॉनर डायल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रीडिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रतियोगियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अंदर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवक और अपतिक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया, जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम थेम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं, जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिन प्रायस के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू करते हैं, जो उसे एक नए डिमोन के समुदाय के सुरक्षित करता है जिसे होलन्स कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय उद्योगी के परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सर्वज के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेनी के साथ सर्वज देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये एक आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन के रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन फेनबिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम कुक्षित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके संपर्कों के बावजूद जिसमें खुदाई हिद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंड
ब्लू जोशी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं, जो एन ब्लू जोशी की जमनत सिंह के बाद एंडू ब्लोपसी के पाकिस्तान ड्यूनिस के शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद एन ब्लू एफ बी के जनमत समूहों के खुदाई सिद्धांतकार के बहिष्कार किया जाता है। खान और उनके भाई तत्कालीन मुख्यमंत्री खान अब्दुल जफर खान के उसे खातिर कर दिया गया, जिन्होंने टिप्पणी की थी उसके मतदाताओं के एन ब्लू एफ बी के एक स्वतंत्र राज्य बनाने की स्वतंत्र के बजाय अफगानिस्तान के बेहतर करने के विकल्प नहीं है। भारत या पाकिस्तान बाद में अपने जीवन के घरों का स्पेस के पश्तूनिस्तान के कभी भी वास्तविक नहीं थे, और एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान के विचार कभी भी पश्तूनी मदद नहीं करेंगे और केवल उनके लिए पीड़ा का कारण बनेगा। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान एक एक लगातार सरकारों के केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस विचार का शोषण किया। से उतारने की कोशिश योजना के सहयोग करने के इनकार करने के बाद युवा ने गुप्त रूप से टाइगर को सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी साहित बेग ने हत्या का प्रयास किया, लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी। आतिश ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था, और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और ISI से बाहर निकाल दिया गया है। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन के लिए स्थानित कर दिया गया था। फिल्म तमिल भाषा की देरी के बाद रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह कुल मिलाकर नारायण निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जो एक योग्य उद्देश्य के बारे में बात करती है, लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सिनेमा एक्सप्रेस की राय के सुविधाजनक मोड़ और खराब लेखन इस अच्छे दारे वाली फिल्म प्रभावित करते हैं जो छोटे आविष्कारों के दुर्भागों के बारे में बात करते हैं। अबायुडू के फिल्म को 2.75 रेटिंग दी और कहा कि अयनगंज के मजबूत प्रदर्शन और चरित्र चित्रण वाली फिल्म है। 3 सबटाइटल के बजाय अगर फिल्म एक पर टिकी होती तो हमें अधिक कृप्त किसी हुई फिल्म मिलती। फिर भी संदेश उन तो बहुत ईमानदार है, और जब अंतिम क्रेडिट आता है तो आपके पास अयंगारण के कुछ सीखने के होगा। कुल मिलाकर अयंगारण का अच्छे प्रदर्शन के साथ जुड़ रहा है और एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। अटिटी प्ले के एक आलोचक ने 2.5 स्टार देते हुए 5 और नोट किए कि अयंगारण का एक अच्छा प्रयास है जो एक ऐसी फिल्म के रूप में समाप्त होती है जो कुछ हिस्सों के मनोरंजन करती है। हालांकि इसमें आकर्षक क्षण है, जो पात्रों का अधिक विवरण इसे एक बेहतर फिल्म बना सकता है। हालांकि इंडिया हेराल्ड के जे गौतम आलोचकों ने उल्लेख किया कि दूसरे भाग में सभी पात्रों को पर्याप्त रूप से बंद कर दिया जाता है, जिसके फिल्म अधिक प्रभावशाली बन गई है। नायक के अपने प्रभी मिश्रों के साथ लड़ाई को भी अच्छी तरह से लिखा गया है। आलोचकों से मिलान दिन मिलान में 5/3 सितारे देते हैं। पटकथा लेखों के वर्गीकरण के अनुसार सभी फिल्म विवरण में उनके प्रकार कॉमेडी या ड्रामा को गहरा सुपर शोलिया में से एक या अधिक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये संयोग एक अलग शोली नहीं बनता है, बल्कि फिल्म की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार प्रकार को शोली के साथ मिलने से कई अलग शोली नहीं बनती है। उदाहरण के लिए हॉरर ड्रामा बस एक नाटकीय हॉरर फिल्म है, कॉमेडियन हॉरर फिल्म के विपरीत हॉरर ड्रामा हॉरर शोली के ड्रामा प्रकार से अलग कोई शोली नहीं है। यहां तक कि अन्य शोलियों पुलिस जासूस और गार्ड के विशिष्ट अच्छे लोगों पर भी एक थ्रिलर की भरोसा नहीं किया जा सकता है। माना कि थ्रिलर के अच्छे लोग होते हैं, लेकिन दर्शकों और नायकों के अंत तक कभी पता नहीं चलता कि वे कौन थे। थ्रिलर आशा और भय के विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरमों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी वे अभित रहे कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्रीय पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती व्यंकेश किसी वर्ष शोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेता कहानियों के रूप में काम करती है। धनीयुक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज़ के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली
और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शोलियो एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शोलीगत स्वातन्न बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभारों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संगटमों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि में टू टामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्यों के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है, जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जेल रिजेस आर्थर कॉनर डायल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम्स शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है, जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवा कर अप्रत्यक्ष अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतो सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया, जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम थेम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं, जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिव प्रायस के जुड़ जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं, जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सूचित करता है, जिसे होलंस कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय औद्योगिकी परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए, लेकिन के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैग आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये एक आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन शक्तियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है, जिसके डेमन भेनमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके पलकों के बावजूद जिसमें खुदाई हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी, विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंड्रू ड्योन्सी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं, जो एंड्रू ड्योन्सी की जमनत सिंह के बाद एंड्रू ब्लोबसी के पाकिस्तान ड्योन्स के शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद एंड्रू FB के जन्मत समूह के खुदाई सिद्धमतकार के बहिष्कार किया जाता है। खान और उनके भाई तत्कालीन मुख्यमंत्री खान अब्दुल जफर खान के उसे खातिर कर दिया गया, जिन्होंने
टिप्पणी की थी, उसके मतदाताओं के एंड ब्लू एफ वी के एक स्वतंत्र राज्य बनाने की स्वतंत्र के बजाय अफगानिस्तान के बिगड़ करने के विकल्प नहीं है। भारत या पाकिस्तान बाद में अपने जीवन के घरों के आसपास के कहा पश्तूनिस्तान के कभी भी वास्तविक नहीं थे और एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान के विचार कभी भी पश्तूनी मदद नहीं करेंगे और केवल उनके लिए पीड़ा का कारण बनेगा। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान एक एक लगातार सरकारों के केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस विचार का शोषण किया। ट्रे से उतारने की कोशिश योजना के सहयोग करने के इनकार करने के बाद युवा ने गुप्त रूप से टाइगर को सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी साहित बेग ने हत्या का प्रयास किया लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी। आतिश ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और ISI से बाहर निकाल दिया गया है। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है लेकिन के लिए स्थानित कर दिया गया था। फिल्म तमिल भाषा की देरी के बाद रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह कुल मिलाकर नारायण निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जो एक योग्य उद्देश्य के बारे में बात करती है लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सिनेमा एक्सप्रेस की राय के सुविधाजनक मोड़ और खराब लेखन इस अच्छे दारे वाली फिल्म प्रभावित करते हैं जो छोटे आविष्कारों के दुर्भागों के बारे में बात करते हैं। हवाई उडू के फिल्म को 2.75 रेटिंग दी और कहा कि अयनगंगन के मजबूत प्रदर्शन और चरित्र चित्रण वाली फिल्म है। दिन सबटाइटल के बजाय अगर फिल्म एक पर टिकी होती तो हमें अधिक कृप्त इसी किसी हुई फिल्म मिलती। फिर भी संदेश उन तो बहुत ईमानदार है और जब अंतिम क्रेडिट आता है तो आपके पास अयनगंगन के कुछ सीखने के होगा। कुल मिलाकर अयनगंगन के अच्छे प्रदर्शन के साथ जुड़ रहा है और एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ऑटोटी प्ले के एक आलोचक ने 2.5 स्टार देते हुए 5 और नोट किए कि अयनगंगन का एक अच्छा प्रयास है जो एक ऐसी फिल्म के रूप में समाप्त होती है जो कुछ हिस्सों के मनोरंजन करती है। हालांकि इसमें आकर्षक क्षण है जो पात्रों का अधिक विवरण इसे एक बेहतर फिल्म बना सकता है। हालांकि इंडिया हेराल्ड के जे गौतम आलोचकों ने उल्लेख किया कि दूसरे भाग में सभी पात्रों को पर्याप्त रूप से बंद कर दिया जाता है जिसके फिल्म अधिक प्रभावशाली बन गई है। नायक के अपने सभी विषयों के साथ लड़ाई को भी अच्छी तरह से लिखा गया है। आलोचकों से मिलान दिन मिलान में 5/3 सितारे देते हैं। पटकथा लेखों के वर्गीकरण के अनुसार सभी फिल्म विवरण में उनके प्रकार कॉमेडी या ड्रामा के गहरे सुपर शोलिया में से एक या अधिक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये संयोग एक अलग शोली नहीं बनता है बल्कि फिल्म की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार प्रकार को शोली के साथ मिलने से कई अलग शोली नहीं बनती है। उदाहरण के लिए हॉरर ड्रामा बस एक नाटकीय हॉरर फिल्म है। कॉमेडियन हॉरर फिल्म के भी बड़े हॉरर ड्रामा हॉरर शोली के ड्रामा प्रकार से अलग कोई शोली नहीं है। यहाँ तक कि अन्य शोलियों पुलिस जासूस और गार्ड के विशिष्ट अच्छे लोगों पर भी एक थ्रिलर की भरोसा नहीं किया जा सकता है। माना कि थ्रिलर के अच्छे लोग होते हैं लेकिन दर्शकों और नायकों के अंत तक कभी पता नहीं चलता कि वे कौन थे। थ्रिलर आशा और भय के विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरमों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा फिर भी वे अभिभूत रहे कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्र पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विकेश किसी वर्ष शोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेता कहानियों के रूप में काम करती है। युक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज़ के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल विभिन्न फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शोली एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शोली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शोली एक दूसरे के समाहित होते हैं जिसमें एक शोलीगत स्वातन्न बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है।
या कंटोटामी बोलने समय अन्य प्रभारों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटमों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक का अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि में कट्टू टामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्य के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है। जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जर्ल रिजेस आर्थर कॉनर डायल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम्स शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर प्रसन्नता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रौद्योगिकियों के तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के डेनमार्क के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आम जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवा कर अब तक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंथो सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम्स के थीम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटी प्रायस के जुड़ जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुरक्षित करता है जिसे होलंस कहा जाता है जो आत्मनिर्भर होती है। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय औद्योगिकी परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन के साथ सर्वेश देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सेवक ड्रैग आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज कर धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन के रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन फेनमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम कुक्षित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके संपर्कों के बावजूद जिसमें खुदाई हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंड्रू ड्योन्सी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं जो एंड्रू ड्योन्सी की जमनत सिंह के बाद एंड्रू ब्लोफ्सी के पाकिस्तान ड्योन्स के शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद एंड्रू FB के जन्मत समूह के खुदाई सिद्धमतकार के बहिष्कार किया जाता है। खान और उनके भाई तत्कालीन मुख्यमंत्री खान अब्दुल जफर खान के उसे खातिर कर दिया गया जिन्होंने टिप्पणी की थी उसके मतदाताओं के एंड्रू FV के एक स्वतंत्र राज्य बनाने की स्वतंत्र के बजाय अफगानिस्तान के विरोध करने के विकल्प नहीं है। भारत या
पाकिस्तान बाद में अपने जीवन के घूमने का स्पेस के पश्तूनिस्तान के कभी भी वास्तविक नहीं थे और एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान के विचार कभी भी पश्तूनी मदद नहीं करेंगे और केवल उनके लिए पीड़ा का कारण बनेगा। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान एक एक लगातार सरकारों के केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस विचार का शोषण किया। ट्रे से उतारने की कोशिश योजना के सहयोग करने के इनकार करने के बाद युवा ने गुप्त रूप से टाइगर को सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी साहित बेग ने हत्या का प्रयास किया लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी। आतिश ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और ISI से बाहर निकाल दिया गया है। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है लेकिन के लिए स्थानित कर दिया गया था। फिल्म तमिल भाषा की देरी के बाद रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह कुल मिलाकर नारायण निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जो एक योग्य उद्देश्य के बारे में बात करती है लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सिनेमा एक्सप्रेस की राय के सुविधाजनक मोड़ और खराब लेखन इस अच्छे दारे वाली फिल्म प्रभावित करते हैं जो छोटे आविष्कारों के दुर्भागों के बारे में बात करते हैं। हवाई उडूब के फिल्म को 2.75 रेटिंग दी और कहा कि अयनगंज के मजबूत प्रदर्शन और चरित्र चित्रण वाली फिल्म है। दिन सब टाइटल के बजाय अगर फिल्म एक पर टिकी होती तो हमें अधिक कृप्त किसी हुई फिल्म मिलती। फिर भी संदेश उन तो बहुत ईमानदार है और जब अंतिम क्रेडिट आता है तो आपके पास अयंगारण के कुछ सीखने के होगा। कुल मिलाकर अयंगारण का अच्छे प्रदर्शन के साथ जुड़ रहा है और एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ऑटोटी प्ले के एक आलोचक ने 2.5 स्टार दिए थे। 5 और नोट किए गए। अयंगारण का एक अच्छा प्रयास है जो एक ऐसी फिल्म के रूप में समाप्त होती है जो कुछ हिस्सों के मनोरंजन करती है। हालांकि इसमें आकर्षक क्षण है जो पात्रों का अधिक विवरण इसे एक बेहतर फिल्म बना सकता है। हालांकि इंडिया हेराल्ड के जे गौतम आलोचकों ने उल्लेख किया कि दूसरे भाग में सभी पात्रों को पर्याप्त रूप से बंद कर दिया जाता है जिसके फिल्म अधिक प्रभावशाली बन गई है। नायक के अपने सभी विषयों के साथ लड़ाई को भी अच्छी तरह से लिखा गया है। आलोचकों से मिलान दिन मिलान में 5/3 सितारे देते हैं। पटकथा लेखों के वर्गीकरण के अनुसार सभी फिल्म विवरण में उनके प्रकार कॉमेडी या ड्रामा उनके गहरे सुपर शोलिया में से एक या अधिक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये संयोग एक अलग शोली नहीं बनता है बल्कि फिल्म की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार प्रकार को शोली के साथ मिलने से कई अलग शोली नहीं बनती है। उदाहरण के लिए हॉरर ड्रामा बस एक नाटकीय हॉरर फिल्म है। कॉमेडियन हॉरर फिल्म के विपरीत हॉरर ड्रामा हॉरर शोली के ड्रामा प्रकार से अलग कोई शोली नहीं है। यहां तक कि अन्य शोलियों पुलिस जासूस और गार्ड के विशिष्ट अच्छे लोगों पर भी एक थ्रिलर की भरोसा नहीं किया जा सकता है। माना कि थ्रिलर के अच्छे लोग होते हैं लेकिन दर्शकों और नायकों के अंत तक कभी पता नहीं चलता कि वे कौन थे। थ्रिलर आशा और भय के विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरमों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा फिर भी वे अभी तरह कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्रीय पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विकेश किसी वर्ष शोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेता कहानियों के रूप में काम करती है। धनीयुक्त और घोषित बजट तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं जिसमें एक शैलीगत स्वातन बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है या कंटूटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के
संगटमों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक का अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि टू टामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्म के यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। ट्रेंट मिकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्य के लिए केंद्रीय बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है। जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जर्ल्स रिजेस आर्थर कॉनर डॉयल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रतियोगियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को यह दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवक और अब तक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सिंधु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम के थीम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिव प्रायस के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्कनेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुरक्षित करता है जिसे होलंस कहा जाता है जो आत्मनिर्भर होती है। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय औद्योगिक के परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सर्वज के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन के साथ सर्वज देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सेवक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज कर धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन के रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन फेनमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम कुक्षित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने की पूछताछ करने के बाद जो उसके संपर्कों के बावजूद जिसमें खुदाई ही मतांग आंदोलन में भाग लेती थी विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंड्रू ड्यूसी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं जो एंड्रू ड्यूसी की जमनत सिंह के बाद एंड्रू ब्लोपसी के पाकिस्तान ड्यूनिस के शामिल कर दिया जाता है। उसके बाद एंड्रू FB के जन्मत समूह के खुदाई सिमतकार के बहिष्कार किया जाता है। खान और उनके भाई तत्कालीन मुख्यमंत्री खान अब्दुल जफर खान के उसे खातिर कर दिया गया जिन्होंने
जारी की थी उसके मतदाताओं के एंड ब्लू एफ वी के एक स्वतंत्र राज्य बनाने की स्वतंत्र के बजाय अफगानिस्तान के विरोध करने के विकल्प नहीं है। भारत या पाकिस्तान बाद में अपने जीवन के घरों का स्पेस के पश्तूनिस्तान के कभी भी वास्तविक नहीं थे और एक स्वतंत्र पश्तूनिस्तान के विचार कभी भी पश्तूनी मदद नहीं करेंगे और केवल उनके लिए पीड़ा का कारण बनेगा। उन्होंने आगे कहा है कि पाकिस्तान एक एक लगातार सरकारों के केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस विचार का शोषण किया। ट्रे से उतारने की कोशिश योजना के सहयोग करने के इनकार करने के बाद युवा ने गुप्त रूप से टाइगर को सूचित किया। आतिश की गर्भवती पत्नी शाहिद बेग ने हत्या का प्रयास किया लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी। आतिश ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे जेल में डाल दिया गया और ISI से बाहर निकाल दिया गया है। टाइगर को मौत की सजा सुनाई जाती है लेकिन के लिए स्थानित कर दिया गया था। फिल्म तमिल भाषा की देरी के बाद रिलीज हुई और इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि यह कुल मिलाकर अयनार निश्चित रूप से एक ऐसी फिल्म है जो एक योग्य उद्देश्य के बारे में बात करती है लेकिन इसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। सिनेमा एक्सप्रेस की राय के सुविधाजनक मोड़ और खराब लेखन इस अच्छे दारे वाली फिल्म प्रभावित करते हैं जो छोटे आविष्कारों के दुर्भागों के बारे में बात करते हैं। हवाईउडू के फिल्म को 2.75 रेटिंग दी और कहा कि अयनगंग के मजबूत प्रदर्शन और चरित्र चित्रण वाली फिल्म है। 3 सबटाइटल के बजाय अगर फिल्म एक पर टिकी होती तो हमें अधिक कृप्त इसी किसी हुई फिल्म मिलती। फिर भी संदेश उन तो बहुत ईमानदार है और जब अंतिम क्रेडिट आता है तो आपके पास अयंगारण के कुछ सीखने के होगा। कुल मिलाकर अयंगारण के अच्छे प्रदर्शन के साथ जुड़ रहा है और एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ऑटोटी प्ले के एक आलोचक ने 2.5 स्टार दिए थे। 5 और नोट किए गए अयंगारण का एक अच्छा प्रयास है जो एक ऐसी फिल्म के रूप में समाप्त होती है जो कुछ हिस्सों के मनोरंजन करती है। हालांकि इसमें आकर्षक क्षण है जो पात्रों का अधिक विवरण इसे एक बेहतर फिल्म बना सकता है। हालांकि इंडिया हेराल्ड के जे गौतम आलोचकों ने उल्लेख किया कि दूसरे भाग में सभी पात्रों को पर्याप्त रूप से बंद कर दिया जाता है जिसके फिल्म अधिक प्रभावशाली बन गई है। नायक के अपने प्रभी मिश्रों के साथ लड़ाई को भी अच्छी तरह से लिखा गया है। आलोचकों से मिलान दिन मिलान में 5/3 सितारे देते हैं। पटकथा लेखों के वर्गीकरण के अनुसार सभी फिल्म विवरण में उनके प्रकार कॉमेडी या ड्रामा के गहरे सुपर शोलिया में से एक या अधिक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये संयोग एक अलग शोली नहीं बनता है बल्कि फिल्म की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार प्रकार को शोली के साथ मिलने से कई अलग शोली नहीं बनती है। उदाहरण के लिए हॉरर ड्रामा बस एक नाटकीय हॉरर फिल्म है। कॉमेडियन हॉरर फिल्म के विपरीत हॉरर ड्रामा हॉरर शोली के ड्रामा प्रकार से अलग कोई शोली नहीं है। यहां तक कि अन्य शोलियों पुलिस जासूस और गार्ड के विशिष्ट अच्छे लोगों पर भी एक थ्रिलर की भरोसा नहीं किया जा सकता है। माना कि थ्रिलर के अच्छे लोग होते हैं लेकिन दर्शकों और नायकों के अंत तक कभी पता नहीं चलता कि वे कौन थे। थ्रिलर आशा और भय के विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरमों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा फिर भी वे अभी तरह कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्र पत्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती व्यंकेश इसमें वर्ष शोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्सर नेतृत्व कहानियों के रूप में काम करती है। धनी युक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल विभिन्न फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शोली एक